दोस्तों यसके इलेक्ट्रॉनिक्स में सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। कैसे दोस्तों आयो बच्चे होंगे। देखिए दोस्तों हमारे पास एक सीलिंग फैन आया हुआ है रिपेयर होने के लिए, देख लीजिए। इसमें कस्टमर का कहना है कि सर हमारे 2-3 महीने हुए हैं इसको लिए हुए और ये चल नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें ऐसी कौन सी समस्या बन गई है जो नहीं चल रहा है, तो दोस्तों इसको हम पहले चेक करते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं इसमें ऐसी कौन सी समस्या बन गई है जो हमारे सीलिंग फैन नहीं चल पा रहा है। तो भी अपना कैमरा करते हैं सेट फिर आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे सीलिंग फैन के मेन तार निकले हुए हैं, एक न्यूट्रल एक फेस का। अब इस पर हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे इस तरह का, देख लीजिए हमने सीरीज वाला अपना वायर बना रखा है, और इस पर एक एक तार जोड़ देंगे इस तरह से, और अपने पंखे को ऐसे उठाना है ऐसे। और जो हमारा ये देखिए हमारा बोर्ड लगा हुआ है, हमारे टेबल में ही बोर्ड लगा हुआ है, देख लीजिए ये हमारा बोर्ड है, ये सीरीज है, ये मेन है। तो हम पहले सीरीज में लगाएंगे इसको, प्लग को ऐसे सीरीज में लगा दिया और इसको चलाएंगे, देख लीजिए। देखिए हमारा प्लग लगा हुआ है और सीरीज हमारा बल्ब ग्लो, सीरीज हमारा बल्ब जल रहा है फिर भी हमारा पंखा चल नहीं रहा है। तो इसको एक बार उंगली लगाएं, देखिए चलता है, ठीक है हमारा पंखा स्टार्ट हो चुका है। तो इसका एक इसकी समस्या क्या है आप लोगों को हम पहले चेक करके दिखा देते हैं हमारा इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसको पहले निकाल ऑफ करते हैं और इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम पहले क्या चेक करेंगे, इसको ढक्कन को उठाएंगे। पहले इस कंडीशन में दो रीज़न हो सकती है, या फिर हमारा कैपेसिटर ख़राब है या फिर कहीं पर हमारा स्टार्टिंग का जो तार है वो कट गया है अंदर से। तो इसको हम किस तरह चेक करेंगे आप लोगों को, तो पहले हम इसको खोल लेंगे यहाँ से, ये तीनों तार हम खोल लेंगे, जो हमारा कनेक्ट देख लीजिए। याद रखना कि कहाँ पे हमने कैसे खोला था, क्योंकि हम तो मिस्त्री हैं, हम जान जाते हैं कौन रनिंग का है कौन स्टार्टिंग का है, आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों देखिए हम कैपेसिटर ग्रीन और ब्लैक जो वायर था इसमें कैपेसिटर के वायर लगे थे, और जो हमारा ये है ये रेड वाला इसको ये कॉमन है। तो दोस्तों इसको हमने दोनों को तार को हटा लिया है, अभी कैपेसिटर वाले तार को अलग कर देंगे। अब इनको हम जो हमने तार लगाया था सीरीज वाला वायर वाला अपना खोल लेते हैं। फिर पहले हम पंखे की कोयल को हम चेक कर लेंगे। देखिए हम सीरीज में लगा दिया, देखिए हमारा अब हमें एक कॉमन पे लगाया, और ये जो हमारा ग्रीन वाला है ये स्टार्टिंग का है, और जो ब्लैक वाला है ये रनिंग का है। देखिए दोस्तों दोनों पे हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, जल रहा है, देखिए दोस्तों जल रहा है हमारा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि हमारा ये पंखा बिल्कुल अंदर से सही है, हमारा दिक्कत क्या है ये कैपेसिटर में। ठीक है दोस्तों अब कैपेसिटर आप लोगों को हम सीरीज से ही चेक करके दिखा देंगे ख़राब है कि सही है। एक कैपेसिटर जो हमारे येलो वाले हैं देख लीजिए, जरा सा भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ, और जो हमारा अगर हमारा जरा सा भी ये सही होता तो हमारा बल्ब थोड़ा बहुत जलता, लेकिन हमारा बल्ब जरा सा भी नहीं जल रहा है। देखिए हम तार लगा रखे हैं और बल्ब नहीं जल रहा है, इसमें लाइन भी आ रही है, देख लीजिए लाइन आ रही है और फिर भी यह नहीं जल रहा है। दोस्तों इसका मतलब है कि हमारा कैपेसिटर बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसलिए हमारे हाथ उंगली लगाने पे ये चल रहा था। तो उसको हम नया कैपेसिटर लगा के आप लोगों को चला के भी दिखा रहे हैं, पहले नया कंडेंसर इसमें कैपेसिटर लगा लेते हैं, बंद निकालते हैं पहले पुराने वाले को। ये देख लीजिए 2.25 mFd का है, UF का है। ठीक है दोस्तों इसकी जगह पर हम 2.5 का लगा देंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों ये हमारा 2.5 mFd का है, ये मेन न्यू कंडेंसर है, देख लीजिए 2.50 का है, देख लीजिए 2.50 mFd लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों इसको लगाएंगे इसमें नया कंडेंसर को। ये देखिए हमने लगा दिया, अब इसका कनेक्शन कर देंगे।
दोस्तों हम स्टेच इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी हमारा कंडेंसर जो है चार्ज भी निकल जाता है और हमें करंट का झटका लग जाता है। याद है आप लोगों को कि जो ये है ब्लैक वाला है हमारा रनिंग का है, जो ग्रीन वाला स्टार्टिंग का है और जो रेड वाला है ये कॉमन है। तो कॉमन वाला जो हमें है ऊपर लगा देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस पर हमें कैपेसिटर नहीं लगाना है, इसका कनेक्शन कर देना है इसे। कि हमने कॉमन वाले को रेड वाला जो वायर था ये कॉमन था, हमने इसको कस दिया है ऊपर वाली में। अब हमें क्या करना है, एक वायर कैपेसिटर का ग्रीन वाले पे लगा लेना है, एक वायर जो है हमारा ब्लैक पे लगा लेना है। अब हमें क्या करना है कि जो रनिंग वाला है ब्लैक वाला है, ग्रीन वाला जो स्टार्टिंग का है, हमेशा रनिंग पे ही घुमाना है सीधा पंखा, स्टार्टिंग पे नहीं घुमाना है। तो देख लीजिए हमारा ये मेन तार है, एक कॉमन पे लगा हुआ है देख लीजिए और एक रनिंग पे लगा हुआ नीचे वाले में। तो रनिंग का हमारा कौन सा है, ब्लैक वाला, इस पर कनेक्शन कर लेंगे ब्लैक वाले पे, ब्लैक वाले को नीचे कर लगा के इसको भी टाइट कर लेंगे। देखिए हम टाइट कर लिया इसको, और जो हमारा ग्रीन वाला है इसको बीच में टाइट कर देंगे। यहाँ पे हमारा कोई भी सप्लाई नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए खाली है बिल्कुल, थोड़ा ढीला करके और बीच वाली में कस लेना है। तो दोस्तों देखिए हमने कनेक्शन कर लिया है तीनों तारों का, अब आप लोगों को हम फिर से चला के दिखा रहे हैं। तो दोस्तों हमने इसे कैपेसिटर लगा लिया है, अब इसको फिर से तार लगाएंगे इस पे इंटरफेस का। अब इसको उठाएंगे, पकड़ लेंगे और बोर्ड में फिर से लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा पंखा चल चुका है, किस तरह से अच्छी स्पीड आई है। तो दोस्तों देखिए हमारा पंखा चल चुका है, हमारा इस पंखे में कैपेसिटर ख़राब था और पंखे में कोई दिक्कत नहीं थी, तो बंद कर देते हैं। तो दोस्तों इस पंखे में हमारा कैपेसिटर ख़राब था, हमारा ये पंखा बिल्कुल नहीं ख़राब था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग तो दोस्तों देखा हमने किस तरह से इसको स्टेप बाई स्टेप चेक किया और इसको हमने बता दिया कि इसमें कैपेसिटर ख़राब है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास पंखा छत पे लगा हुआ है और उस पर डंडा लगाते ही पंखा चल रहा है तो एक बार कंडेंसर चेंज करके देखिएगा, बिल्कुल वीक हो जाता है कंडेंसर, तो हमारी ऐसी ही समस्या बन जाती है। तो दोस्तों तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम।